ये लिखा है मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। स्टोरी मतलब कहानी, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत मुसीबत या समस्या। ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, यू हैव टू चूज द क्वेश्चन विच मेक्स द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी मार्क्ड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कि जो क्वेश्चन है वो एक स्टोरी की तरह है। अब उस स्टोरी के आधार पर तुमने ये बताना है कि जो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा इस पर बिल्कुल फिट बैठता है और जिससे उसका आंसर निकलता है। अब देखो सबसे पहले उन्होंने किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। पहले शॉपकीपर इज 50 बॉक्सेज, एक दुकानदार है उसके पास 50 क्या हैं डब्बे। देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स, और एक बक्से में कितने कितने फल रखे हुए हैं उन्होंने 48। अब वो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन के आधार पर इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन सा सही है जिसका कि हम आंसर दे सकते हैं। सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे, या हो सकते हैं आए भी, लेकिन कौन सा सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा वो आपको इसमें से ढूंढना है। अब देखो हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल। अब वो बोल रहे हैं कि दुकानदार को इस सबके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है इस स्टोरी से? इसमें कहीं पैसे की बात की है उन्होंने इस स्टोरी में? नहीं की, तो इसका मतलब इसका आंसर नहीं आ सकता। हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, और टोटल कितने फ्रूट्स हैं? 50 डब्बे हैं और हर एक में 48 हैं, क्या इसका आंसर आ सकता है? आ सकता है, तो उन्होंने टिक किया हुआ है। तीसरा वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड। अब वो बोल रहे हैं कितने ज्यादा और उसे बक्से चाहिए होंगे। नो सर, इसका आंसर भी नहीं आ रहा है क्योंकि बक्से चाहने की बात तो किसी ने की ही नहीं ना कभी स्टोरी में। ओके अब देखो हमको क्या करना है, इन तीनों में से हमको एक ही आंसर पे टिक करना है, सब पे टिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है उसी पे क्या करना है, टिक। 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ फोर चिल्ड्रन। 352 बच्चे किसी स्कूल के कहाँ गए, कैंपिंग के एक ट्रिप में गए, ठीक है। ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ फोर चिल्ड्रन, हर एक टेंट में कितने बच्चे सोए? फोर। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, हर एक टेंट में कितने बच्चे हैं, इसका आंसर आ रहा है। हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, उन्हें कितने टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन से उसका आंसर आ सकता है? आ सकता है, कैसे देंगे, कैसे आएगा? भाग, चार से भाग देंगे किसमें, 352 में, तो हमको पता चल जाएगा कितने टेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर इन द स्कूल, इसका पता तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो जो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है इस स्टोरी के आधार पर वो है हमारा सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, कि हमको पता चल रहा है कि 352 बच्चे गए थे और हर एक टेंट में कितने कितने बच्चे रहे, चार, तो टोटल कितने टेंट्स की जरूरत पड़ेगी हम भाग देके निकाल सकते हैं। ओके अब देखो ये है तीसरा क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज 204 eggs, एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, और वो हर एक ट्रे में कितने कितने अंडे रख रहा है, 12। अब देखो हाउ मेनी मोर एग्स विल ही नीड, उसे कितने और अंडों की जरूरत पड़ेगी, नहीं आ रहा। हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, कितने वो अंडे बेचता है, पता चल रहा है, पता चल रहा है, कहाँ चल रहा है पता, बेचने का, बेचने के बारे में तो किसी ने बात नहीं की ना यहाँ। हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड, उसे कितने ट्रेज की जरूरत पड़ेगी उसका पता चल सकता है, कैसे? 12 का भाग 204 में देखे, ठीक है, 12 का भाग 204 में देखे कितना आएगा, कितने बार जाएगा, एक बार, 12 एकम 12, कितना बचा, 8, कितना उतरेगा, 4, 12 के पड़े में 84 कहीं आता है, कितना, 7, कितनी ट्रेज की जरूरत पड़ी, 17, तो इसका इसका आंसर आंसर आ गया, हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड। ओके एक क्वेश्चन और है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 47, एक किताब का जो मूल्य है वो है 47 रुपये, और सोनू ऐसी 23 किताबें खरीदता है, ठीक है, तो हाउ मच मनी डज सी हैव, उसके पास कितने पैसे होंगे, क्या इसका आंसर आ रहा है, नहीं। हाउ मच मनी डज ही सी पे फॉर द बुक्स, वो इन किताबों के लिए कितने पैसे देगा, इसका आंसर आ रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, 47 बुक्स की कॉस्ट क्या है, अब तुम बताओगे ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है या ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, कौन सा वाला, सी, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, कि 47 किताबों की 47 किताबों का मूल्य कितना है, ठीक है, 23 किताबों का हमको एक का कितना है 47, और 23 का किताबों का कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 23 को 47 से, तो वैसे 47 के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 47 को 47 से। हाउ मच मनी डज सी पे फॉर द बुक्स, ये भी क्वेश्चन वैसे ठीक है और ये भी क्वेश्चन ठीक है, तो हमारे हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बेटर है, ये बेटर चॉइस है, ठीक है, समझ आई, यस सर, कर लोगे अब, यस सर।